नमस्कार, मैं हूं नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज ड्रम कमेंट्री। ये एक ऐसा शो है जिसमें हम रोजाना की बड़ी खबरों पर एकदम निष्पक्ष कमेंट्री करते हैं, और इस कमेंट्री में हमारा साथ देते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी, वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने राजनीतिक विशेषज्ञ शेखर अय्यर जी। शेखर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में आज। नमस्कार नीरज जी, नमस्कार। सर, कल रात को जो कुछ भी हुआ, आम आदमी पार्टी के मुख्यालय में दिल्ली में संजय सिंह छूट करके आए और उन्होंने एफआईआर की धमकी दे डाली प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह जी को। 2-3 दिन से मैं सुन रहा हूं, आप हमेशा कह रहे हैं कि जिस तरीके से ईडी ने इनको कंसेशन दिया और बाहर निकलने में मदद की, बेल देने में मदद की, कुछ ना कुछ आपको फिशिंग लग रहा था। अब वो फिशी चीज क्या है, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि कल संजय सिंह के इतने बड़े अटैक के बाद भी बीजेपी का एक भी सपोर्टर या बीजेपी का एक भी प्रवक्ता, नेता, कोई भी उस संजय सिंह के स्पीच या टिप्पणी के खिलाफ कोई भी कमेंट करने नहीं आया है। हाँ नीरज जी, कल वो निकलने के बाद जिस तरह, वैसे कोई डायरेक्टली अपने केस पे तो कमेंट नहीं किए, लेकिन जो लड़ाई अब चल रही है, राजनीतिक लड़ाई जो है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में, उसका लेकर काफी बोल डाल। जैसे आपने जिक्र किया कि अगर आपके खिलाफ अगर विपक्ष के ये करते तो आप क्या करेंगे, वैसे वैसे। लेकिन आश्चर्य बात है कि आज एक दो अखबार छोड़ के उसका भी ज्यादा हाईलाइट नहीं हुआ, ना संजय सिंह आज उसको बातों को रिपीट किए, या आज मेन स्ट्रीम मीडिया इसको आगे बढ़ाए। नॉर्मली ऐसी बातों में आगे बढ़ाती कि कॉन्ट्रोवर्सी और बढ़ती और चीजें होती, प्रतिक्रिया, फिर ऐसे चलता रहता ये सिलसिला, लेकिन ये नहीं हुआ है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि क्या सरकार की ये सोची समझी रणनीति है या बीजेपी के नेतृत्व की रणनीति है। एक चीज तो क्लियर है कि संजय सिंह को इस समय जेल से बाहर आना, और आम आदमी पार्टी टॉप लीडरशिप में जो वैक्यूम बन रही थी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसका असर पड़ सकता है। देखिए, अब केजरीवाल ने तय किया कि उनके जगह अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल ही ज्यादा बोलेंगे, ज्यादा एक फेस रहेंगे आम आदमी पार्टी की, और आतिशी जी और सुरेश भारद्वाज जो पिछले 4-5 दिन से ज्यादा फोकस पे थे, वो थोड़ा अब देख रहे हैं कि उतना फोकस उनका नहीं हो रहा है। और दूसरी तरफ संजय सिंह को लेकर आज पूरा दिन में कई स्पेकुलेशन हुआ मेन स्ट्रीम मीडिया में कि इनकी भूमिका बढ़ेगी। हो सकता है बाकी पार्टी के साथ समीकरण बनाने में, अब गठबंधन में चुनाव, जो दिल्ली में जैसे चुनाव है जहां इनका कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में एग्रीमेंट है, वो सारों चीजों को ये ओवरसी करेंगे। इनकी कई इंपॉर्टेंट अहमत, मतलब बड़ी रोल रहेगी इनकी जी, इसी बीच उसी सर, यहाँ जी। इसी बीच सर संजय सिंह दिल्ली सीएम करके ट्विटर पे ट्रेंड चलने लगा है ऑलरेडी। वही देखे, ये वैक्यूम जो था, मतलब एक अभाव जो था कि भाई केजरीवाल के बाद कौन, ये सवाल, और उस जगह पे केवल केजरीवाल चाहते हैं अपनी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल ही उस जगह को ऑक्यूपाई करे, ये जो एक मैसेज आ रहा था आपको तिहाड़ जेल से, उसी जेल से एक एक नेता रिहा होने के बाद चीजें और बदल गई है। संजय सिंह वहां से रिलीज होना, उसके बाद आम आदमी पार्टी में क्या समीकरण रहेगी, क्योंकि संजय सिंह सरासर पूरा पूरा पॉलिटिकल है, उनके पार्टी पार्टी के साथ भी अच्छे तालमेल है, और पार्टी के अंदर भी उनकी कई एक प्रकार से एक कह सकते हैं उनके एक लॉयलिस्ट ग्रुप भी है। जी सर, बोलिए बोलिए सर, सॉरी। तो इसीलिए आगे जाके देखिए, अब सवाल आता है 1 हफ्ते 10 दिन के बाद अगर केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिलती दिल्ली हाई कोर्ट में और उनको कंटिन्यूड रहना पड़ेगा तिहाड़ जेल में, तो सवाल आता है कि फिर मुख्यमंत्री किसी को तो बनाना पड़ेगा, बिना मुख्यमंत्री तो नहीं चलेगा। तो मैं देख रहा हूँ आगे 10 दिन में और चीजें सामने नजर आएंगे, क्या केजरीवाल अपनी धर्मपत्नी को ही सामने रखेंगे और किसी को वो जगह नहीं देंगे ताकि पार्टी अपने कंट्रोल में रहेगी, अपने परिवार के कंट्रोल में रहेगी, या संजय सिंह आने के बाद ऐसी समीकरण बदल रही है और जिसपे संजय सिंह पूरा कमांड ले ले। कुछ भी जी हो सकता है, राजनीति में हमने देखा है हर दिन का फर्क पड़ता है कि क्या किसकी पल्ला भारी है, किसकी हल्की है, क्या है, हमें देखना पड़ेगा कि कैसे बैलेंस ऑफ इक्वेशन जो बात करते हैं हम पावर सेंटर्स की, वो सारी चीजें अभी पता चलेंगी। अब अगर जैसे शुरुआत हमने जिस तरीके से की थी और जिस तरीके से मेरा पहला क्वेश्चन था, तो हमारे दर्शक यही सोच रहे होंगे कि यार ये कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बना रहे हैं। थ्योरी मींस कि सरकार ने कुछ ढील दी या कोई ना कोई आगे का प्लान है। लेकिन ये कंस्पिरेसी थ्योरी अगर दर्शकों को लगता है कि हम बना रहे हैं, तो हमारे दिमाग की उपज नहीं है। दरअसल जिस दिन संजय सिंह की बेल की एप्लीकेशन को मंजूरी मिल गई थी और ईडी के एएसजी जब बाहर आ रहे थे, तो उनसे इंडिया टुडे ने पूछा कि आप बताएं कि आपने ये यू टर्न क्यों लिया है।
उन्होंने कहा कि कोई ऐसा यूटर्न हमने नहीं लिया है, ये अननेसेसरी एलिगेशन है। दूसरा, हमारी ये स्ट्रेटजी थी, जिस स्ट्रेटजी के बाद मैं बाद में खुलासा करूंगा। तो जब ये एक स्ट्रेटजी का पार्ट है, तब तो हम इसमें कॉन्स्पिरेसी कहीं से देख ही नहीं सकते सर। देखिए, ईडी ने जो संजय सिंह के वकील की भी बड़े सरप्राइज लगा कि ईडी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं की, क्योंकि बाद जाके कोर्ट के सामने यह मामला बन रहा था भाई 6 महीने से ये अंदर है, बेल नहीं मिली इनको, क्योंकि पीएमएलए के प्रावधान बड़े टाइट प्रावधान है। तो बार बार ये मांग आ रही है कई क्वार्टर से कि पीएमएलए के प्रोविजंस को दोबारा सुप्रीम कोर्ट देखनी चाहिए, क्योंकि एक बार तो उन्होंने अप्रूव कर दिया, ये तो स्पेशल प्रोविजन है फॉर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, ये जो करप्शन को लेकर, बनी ट्रेल को लेकर। लेकिन उस प्रावधान में कई राजनेता बंद हो जा रहे हैं, कोई उनकी राहत नहीं मिल रही है, इसको लेकर जो बातें कोर्ट में भी कई बार बातें रखी गई है। तो जी लग रहा था कि क्या इस बेंच जो संजय सिंह की बात कर रही है, क्या वो स्वयं चाहेगी इसको लार्जर ये में कॉन्टेक्स्ट में एग्जामिन करे, कोई लार्जर बेंच इसको देखे। ऐसी जब चल रही थी, ऐसे समय में उस सब्जेक्ट पर ज्यादा बहस को आगे ना बढ़ाते हुए ईडी ने कह दिया ठीक है, हम कोई हमारी नहीं है, वो रिलीज कर सकते। कई लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि जिस तरीके से यूएस ने, जर्मनी ने और बाकी सब लोगों ने, बाकी देशों ने, कंट्रीज के साथ साथ उनकी मीडिया ने भी, इंटरनेशनल मीडिया ने इस मैटर पे कमेंट करना चालू कर दिया था, शायद इस वजह से सरकार ने एक स्टेप पीछे लिया। अग्री करते हैं सर आप इससे? ये पीछे कुछ नहीं दिया है। देखिए, बेल जनरली माना जाता है, सुप्रीम कोर्ट का ये भी रहा है भाई, बेल इज अ रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। जी बेल कब डिने होता है? डिने इसीलिए होता है इस ग्राउंड पे कि जो जो अरेस्टेड व्यक्ति है, बड़े इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति है, विटनेसेस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस कर सकता है, इसलिए उसको अंदर रख। और प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी का भी एक प्रोग्रेटिव है, भाई किसको बेल, वो किसकी बेल देने को अपोज करते हैं, किस, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन वही करते हैं, जी आशंकाएं वही जताते हैं भाई, ये इनको आप रिलीज करेंगे तो केस का फैक्ट हो जाएगा विटनेस। और यहां पर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। मैं एक बीच में बात जोड़ देता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन कहा था कि मनी का कोई ट्रेस नहीं है, कहीं आपने कोई जब्त नहीं किया कुछ भी, ना ही कोई प्रॉपर्टी अटैच किया, सवाल इतने ही पूछे थे। और ऐसा नहीं है कि इस तरीके के सवालों के जवाब ईडी ने पिछले 2 साल में इस केस में नहीं दिए हैं। कितनी बार दिए हैं इनका सवालों के जवाब? तो अब यही एक मोरल विक्ट्री मान रही है आम आदमी पार्टी अपने लिए कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कहते हुए बेल दे दी, या सुप्रीम कोर्ट के ये बात कहने के बाद ईडी ने कंसेशन दे दी। तो यहां पे एक मोरल विक्ट्री ली जा रही है। यहाँ पे लड़ाई राजनीतिक लड़ाई है। देखिए, मॉरल विक्ट्री के साथ साथ उसी हाई को सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कही भाई, दिस शुड नॉट हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन एनी अदर केस, इंक्लूडिंग मैटर्स कनेक्टेड विद दिस केस। तो इसका मतलब एक वन टाइम ये है, और इसका असर ज्यादातर लीगल नहीं होगा, ज्यादातर राजनीतिक होगा, वो भी आम आदमी पार्टी के जो अंदरूनी जो भी चल रहा है उसको लेकर हो। जी कई लोग सर ये भी कह रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट जो है, उनके जैसे संजय सिंह बाहर आए हैं, और उनके बाहर आने के बाद जो इन्होंने अपना कल एक विकराल रूप दिखाया था, या जैसे ये शेर शेर करके बोले जाते हैं, कल ज्यादा जोर से दहाड़ मारी थी इन्होंने, उस दहाड़ के बाद लोगों का कहना है कि ये दहाड़ ठंडी होगी। जिस तरीके से आपने भी शुरुआत में ही बोला कि कल का जो उनका रूप था और आज का उनका रूप है, कल के स्टेटमेंट को उन्होंने आज रिपीट नहीं किया, तो शायद ये धीरे धीरे ठंडा पड़ते जाएगा। और इसके साथ साथ लोगों का ये भी कहना है कि 10-15 दिन में तस्वीर साफ हो जाएगी कि एक्चुअल में मैटर था क्या। मैं कहूंगा कि टू अर्ली टू क्लेम एनी विक्ट्री और टू क्लेम अर्ली टू क्लेम एनी लॉस, यानी ईडी का कोई लॉस ऑफ फेस हुआ है या संजय सिंह को भी विक्ट्री हुआ नहीं है, ये केवल भाई आप बेल पे आना चाहते थे, ईडी ने आपका बेल को विरोध नहीं किया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आपको कहा ठीक है इनको बेल दिया जाए। जी क्विकली मूव करते हैं सर दूसरे मुद्दे पर, और दूसरा मुद्दा इससे भी ज्यादा गर्म है। 24 घंटे के अंदर कांग्रेस के 3 बड़े चेहरे, बड़े नेता नहीं कहूंगा क्योंकि वो बहुत बुजुर्ग नहीं है, सारे के सारे यंग है लेकिन बहुत ही विजिबल थे। अब वो 3 के 3 चेहरे सडनली 24 घंटे के अंदर निकल गए, और बातें तो कई सारी हो रही है कि कांग्रेस पार्टी, आज भी मैंने एक आर्टिकल लिखा कि इनके लीडरशिप को अभी भी एहसास नहीं हो रहा है, पता नहीं कब एहसास होगा, पता नहीं कब जागेंगे। लेकिन ये पूरे बवाल को या पूरे मुद्दे को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, लगातार कांग्रेस के अंदर कांग्रेस के नेता यंग, खास करके यंग लीडर्स को लग रहा है कि भविष्य पार्टी का आगे कुछ अच्छा नहीं है, और उस पार्टी के भविष्य में जो हालत बन रही है उनकी भविष्य और भी अंधकार है। उनको लग रहा है कि भाई ये पार्टी डायरेक्शनलेस जा रहा है, और सारा नेतृत्व तो राहुल गांधी के हाथ में है, जी जो स्ट्रेटेजी वो अपना रहे हैं, जो चीजें पर वो
अपनी बात रख रहे हैं, कांग्रेस की व्यूज रख रहे हैं, उसको लेकर इन लोगों को भी लग रहा है भाई कांग्रेस जो भी कर रही है गलत कर रही है। अब संजय निरुपम का प्रॉब्लम है भाई, किस तरह अलायंसेस को हैंडल किया गया महाराष्ट्र में। पहली तो कांग्रेस पार्टी को शिवसेना से हाथ मिलाना 2019 में केवल टू कीप बीजेपी आउट ऑफ पावर, वो कितना काउंटर प्रोडक्टिव हुआ है। दूसरी बात, अब सीटों की एडजस्टमेंट की बात आ रही है, वहां पे अच्छे अच्छे सीट्स उद्धव ठाकरे जबरदस्ती कैंडिडेट भी अनाउंस कर। संजय निरुपम स्वयं एक प्रत्याशी बनना चाहते थे नॉर्थ वेस्ट मुंबई के, तो पहले भी उस कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट किए, लेकिन नॉर्थ वेस्ट में पर जरा, नॉर्थ वेस्ट बॉम्बे, अच्छा, नॉर्थ वेस्ट एक मुंबई, बार वो प्रत्याशी थे, वो नॉर्थ ईस्ट में थे शायद नॉर्थ ईस्ट पे थे, और जी, शायद नॉर्थ ईस्ट मुंबई, नॉर्थ 2009 से 2014 में नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट में थे, और इत्तेफाक की बात है कि इस बार पीयूष गोयल उस कंस्टिट्यूएंसी से लड़ रहे हैं, तो शायद कुछ कंफ्यूजन है। नहीं, इनको लग रहा था भाई ये सीटें क्यों, जो कांग्रेस सीटें हैं, कांग्रेस सीटें जो ट्रेडिशनल कांग्रेस सीट्स हैं, जहां पहले कभी शिवसेना का कोई असर नहीं होता था, उस जगह को हम क्यों छोड़ रहे हैं। और इनकी जितनी भी रिप्रेजेंटेशन के बावजूद कांग्रेस लीडरशिप की तरफ से छुपी थी। देखिए एक चीज हमेशा रखिए धीरज जी, मैं आपको एक बैरोमीटर देता हूँ, जितना कोई लीडर बाहर बोलता है उसकी ठीक डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उस लीडर का उस पार्टी में इन्फ्लुएंस। अगर जो बातें बाहर इतना कह रहा है, इसका मतलब उनकी बातों के अंदर बिल्कुल नहीं सुनी जा रही। ऊपर से उद्धव ठाकरे ने 2 दिन पहले एक वार्निंग दिया, कहा कि भाई देखो कांग्रेस के नेता हमारे ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं, हमारे ऊपर कड़ी आलोचना कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त हम चुप हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि हमारी साथी दल, देखिए हमारी कोई फ्रेंडली फाइट नहीं होता, या जी हमारे फ्रेंड्स हैं या एनिमीज हैं बता दिए, क्योंकि बात ये भी थी अगर वो भी कैंडिडेट देंगे तो हम भी कैंडिडेट देंगे, जिसको उद्धव ठाकरे ने मना कर दिया भाई ऐसा नहीं होगा, आप अपने लोग जो लोग इस तरह की स्टेटमेंट कर रहे हैं उनको कंट्रोल कर लीजिए, और हम जो फैसले लिए हमने ले लिया। तो एक प्रकार से किसी तरह अगाड़ी अलायंस को बचाने के लिए भी कांग्रेस लीडरशिप ने कल इनकी जैसी जीती आई उनको तो 6 साल के लिए निष्कर्ष कर दिया संजय निरुपम को। बिल्कुल फिर संजय निरुपम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई बातें बोले। अच्छा जी, वल्लभ जी का मामला देखिए, वो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर माने जाते थे, इकोनॉमिक एक्सपर्ट, एक समय में बीजेपी में स्पोक्स पर्सन हमारे जब प्रकाश जावड़ेकर उनके साथ काम करते थे, फिर किसी कारण बीजेपी छोड़ के फिर वो बीजेपी के विरुद्ध कांग्रेस में कई बयाने कांग्रेस की तरफ से दे रहे थे, जमशेदपुर चुनाव में लड़े भी और हार भी गए झारखंड चुनाव में। उसके बाद हमने काफी इनको देखा सीता अपने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को भी इन्होंने ही हैंडल किया, लेकिन उसके बाद भी उनको लग रहा है कि भाई हम यहाँ पहुंच गए जहां हमें कुछ नहीं कर पा रहे हम, और कांग्रेस की जो रवैया, अच्छा इन्होंने तो गोविंद बल्लभ कह रहे हैं भाई जो सनातन धर्म के खिलाफ जब कांग्रेस जब बयान आ रहा था कांग्रेस ने कुछ छुपी साधी, उस समय भी हमें लगा कि कांग्रेस गलत कर रही। तो कुल मिला के गोविंद बल्लभ का पार्टी छोड़ना इस समय में, ये लोग ऐसे एक इंप्रेशन जा रहा था ये लोग राहुल गांधी के खास हैं। उससे पहले आपने देखा वीरेंद्र सिंह बॉक्सर कांग्रेस पार्टी हरियाणा से छोड़ रहे हैं। वो भी भाई बहन, गांधी भाई बहन के बहुत खास माने जाते थे। तो एक प्रकार से इन लोगों को लग रहा है धीरे जी, बड़े साफ बात है, देखें जब ये पार्टी अपने लीडर्स के लिए कुछ नहीं कर पा रही है, या इन लीडर्स को नहीं लग रहा है भाई कांग्रेस कुछ आगे कर पाएगी, तो एक प्रकार से उनको सामने पूरा अंधकार दिख रहा है कांग्रेस को लेकर। सर बिल्कुल सही पॉइंट कहा आपने, दो तीन चीजें मैंने आपके जवाब से नोट किए हैं और जो कि इनके रेजिग्नेशन में भी थे। पहला ये कि सनातन धर्म पे ये चुप नहीं रह सकते, सनातन धर्म का अपमान होते हुए नहीं देख सकते। दूसरा ये है कि गौरव वल्लभ ने जिस तरीके से कहा कि कांग्रेस एक इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन से लेकर के लिबरलाइजेशन तक ये सब चीजें कांग्रेस की देन थी, और आप उसके ठीक विपरीत जाकर के अब इंडस्ट्रियलिस्ट को सुबह शाम गालियां बकते रहते हैं। सो ये दो तीन मुद्दे, और खास करके ओबीसी के मुद्दे पर भी उन्होंने कहा कि ये देश को पीछे ले जाने वाली चीज है। अब मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि जो तीन मुद्दे इन्होंने उठाए हैं इतनी बुरी तरीके से आगे लेकर के बढ़ रहे हैं, वो इनकी पार्टी के लोगों को भी स्वीकार या नहीं है, मंजूर नहीं है, तो वोटर्स को कैसे मंजूर होगा? बिल्कुल नहीं होगा, देखिए आप जो आपके रणनीति आपके आपके पार्टी के कार्यकर्ता और लीडर्स को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, और उनको आप कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं वो आपके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, हमने तय कर लिया यही चलेगा। और दूसरी तरफ नीरज जी, वायनाड में अभी कल वो नॉमिनेशन भरे राहुल गांधी जी, उसके बाद आपने देखा किस तरह सीपीएम तरफ लेफ्ट फ्रंट की तरफ से किस तरह प्रतिक्रिया आ रही है, मतलब ये सवाल पूछ रहे भाई आप यहाँ से क्यों लड़ रहे, जाकर उत्तर भारत में लड़ो, जी वहां से लेकर
ये जो भी काम राहुल गांधी कर रहे हैं, कांग्रेस कमजोर होती जा रही है और बीजेपी के खिलाफ लड़ाई ठीक नहीं हो पा रही है। और पिनराई विजयन स्वयं ने कहा कि कांग्रेस को मदद करके क्या फायदा है, वो क्या बीजेपी से लड़ पा रही है? जी अगर उसी कांग्रेस के नेता भूतपूर्व मुख्यमंत्री भी पार्टी छोड़ के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो सेक्युलरिज्म की फाइट कौन कर रहा है? बिल्कुल सर, विजय ने ये भी सवाल उठाया कि आपके नॉमिनेशन में हमारा झंडा नहीं था। अब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जब उन्हीं की पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं, एनी राजा से लड़ाई कर रहे हैं, तो उनका झंडा कैसे लगाएंगे, ये तो समझ में नहीं आता है। साथ ही साथ उन्होंने आईयूएमएल का भी झंडा नहीं लगाने का सवाल उठाया कि क्यों नहीं उनका भी झंडा लगाया। बट इन एनी केस उस पर बहुत सारी बातें चल रही हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आईयूएमएल का झंडा नहीं लगाया, स्मृति ईरानी ने कहा कि आईयूएमएल का झंडा नहीं लगाया क्योंकि वो उनसे दूरी दिखाना चाहते हैं या कुछ इस तरीके से एक्सप्रेस करना चाहते हैं। इसी के साथ सर एक मुद्दा और उठा है, एक वीडियो वायरल हो रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे का, जिसमें वो कहते हुए दिख रहे हैं कि मुझे 2 बार धक्का दिया गया और धक्का दे देते हैं, इज्जत नहीं करते हैं वगैरह वगैरह। अब अगला नंबर क्या खड़गे का भी हो सकता है, क्योंकि गौरव बल्लभ खड़गे के कैंपेन पे भी काम करते थे। नहीं, खड़गे का नंबर तो आएगा चुनाव के बाद। जी नहीं, चुनाव के पहले बीजेपी ज्वाइन करने की बात कर रहा हूं सर। नहीं, वो तो नहीं होगा, लेकिन उसके बाद आप जानते हैं खड़गे का पर्पस भी खत्म हो जाएगा पार्टी में। बिल्कुल उनको क्यों लाया गया, क्यों अध्यक्ष बनाया गया, क्यों राहुल गांधी तय किया कि भाई परिवार से कोई अध्यक्ष नहीं बनेंगे? बट बेसिकली यही था भाई, पार्टी की हार जीत में एक कुशन होनी चाहिए। हार है तो वो नेता उसको ऑब्जर्व कर लेंगे, जीते हैं तो वैसे ही कांग्रेस परिवार हमें क्रेडिट करेगी, इसमें हमें कुछ नहीं करना। जी तो ये इससे बड़ा क्लियर हो गया है कि देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे भी आप जिस वीडियो के भी जिक्र कर रहे हैं, उसकी ऑथेंटिसिटी हमें पता नहीं है, लेकिन ये बड़ा क्लियर है खड़गे एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है। और अगर कांग्रेस पार्टी की प्रदर्शन बहुत डिसअपॉइंटमेंट रहेगी, तब खड़गे स्वयं उसकी जिम्मेदारी लेकर पद छोड़ सकते। सर, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अब कांग्रेस में केवल गांधी परिवार बची रह जाएंगे। ये पिक्चर मतलब मैं कहूंगा बाकी है, क्योंकि ये अभी कौन छोड़ेगा वो धीरे धीरे देखना है। हो सकता है ये सीरियलाइज छोड़ने का भी कार्यक्रम बीजेपी ने रखा हो, क्योंकि छोड़ने के लिए तो बहुत लोग तैयार हैं। आपको याद होगा एक स्क्रीनिंग कमेटी भी काम कर रही है बीजेपी में, भाई जो लोग छोड़ के आ रहे हैं देख लो वो कितने मतलब हमारी हमारी पर्पस के लिए कितने सर्व करेंगे। तो लेकिन ये सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट नीरज जी, ये फैक्चुअल है। इस कांग्रेस में मोरेल जो है बहुत लो है, और इतने यात्रा निकालने के बाद, ये सब निकालने के बाद कहीं ना कहीं कैडर नहीं जोड़ पाया नेतृत्व से, जी और नेतृत्व के रवैया, नेतृत्व की अपनी सोच, अपनी विचार, वो कैडर से रेसोनेट नहीं हुई। और आज भी देखिए, क्या राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, क्या प्रियंका गांधी रायबरेली चुनाव, इस बात को लेकर भी इतनी अनसर्टेनिटी रखी हुई है। जी और कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, ये स्ट्रैटेजी है, ये तो चुनाव अंतिम चरण में होगा रायबरेली अमेठी का, जैसे वाराणसी का, जी छठा छठा चरण है। जी हाँ छठा चरण में होना है, मतलब एकदम, और बहुत समय है, जी अभी से क्यों बदलना है बताना है, ये भी एक स्ट्रैटेजी है। अब पता नहीं क्या स्ट्रैटेजी है भाई पार्टी के सीनियर, वैसे तो वाराणसी भी अंतिम में आता है, लेकिन मोदी जी का पहला नाम था लिस्ट में। देखो, एक पहला नाम देना एक प्रकार से मैसेज है। हो सकता है वायनाड चुनाव के बाद घोषणा करें, अगर वायनाड चुनाव के समय ये साथ में कह दे कि वहां से भी लड़ेंगे, हो सकता है ये मैसेज जाए वायनाड वोटर्स को, भाई ये तो ऑलरेडी दूसरे जगह भी लड़ने वाले हैं। सर, आपने मोदी जी के नामांकन और मोदी जी के एक्चुअल में नॉमिनेशन जो बनारस से होना है और लिस्ट में उनका पहला नाम होना है, इसका जिक्र करके मुझे 2014 के मोदी जी के इलेक्शन की याद दिला दी। उस टाइम पे श्री अरविंद केजरीवाल जी भी वहां से लड़े थे, और मानना पड़ेगा वो आंधी उनके पास उस टाइम थी। 2014 में 20% वोट केजरीवाल को मिले थे उस टाइम से। ये अलग बात है कि आज 2% वोट भी नहीं मिलेंगे, और उसके बाद से वो ग्राफ हमेशा गिरता ही गया, एक्सेप्ट दिल्ली जहां पे फ्रीबीज के चक्कर में लोग उनको आज भी वोट दे देते हैं, लेकिन देश के किसी और हिस्से में इस तरीके का करिश्मा देखने को मिला नहीं। बहरहाल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की कॉमेंट्री के लिए। कल हम फिर हाजिर होंगे कल की बड़ी खबरों पर अपनी कॉमेंट्री के साथ। तब तक बहुत बहुत शुक्रिया और शुभरात्रि। नमस्कार।